गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? चलो, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी कक्षा 7। लास्ट वीडियो में हमने पाठ 3 कुत्ते की वफादारी यह पाठ का अभ्यास किया था और उसका वर्कबुक में वर्क भी किया था। आज हम नया पाठ देखेंगे। चलो, पाठ 4 कथनी और करनी। चलो, मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो चलो, आगे की कहानी हम देखते हैं। चलो, यह बच्चों एक निबंध है, पर इस निबंध से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो देखें यह निबंध। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे सवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। चलो, कई बार हम देखते हैं कि इंसान बोलता कुछ और है और सबके लिए नियम बनाता है, पर वही नियम मानता नहीं है। तो देखो, कुछ ऐसा ही इस प्रसंग में है। देखो, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल भी की। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। चलो, फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें लगा कि इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे ये लोग, तो उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। पर मजे की बात तब सामने आई कि जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा, वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो देखा, उन्होंने तख्ती लगाई थी, फूल तोड़ना मना है। अब खुद के बनाए नियम को वो खुद ही तोड़ रहे थे। फूल तोड़ना मना है, उनने वो नियम बनाया था और खुद फूल तोड़ के वही नियम का भंग कर रहे थे। तो इस तरह से एक दूसरा प्रसंग है। बस में लिखा होता है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना भी मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। अब देखा बच्चों, यह बस में तो हम सब साथ में ही मुसाफरी करते हैं, फिर भी कंडक्टर ने उस मुसाफिर को क्या कह दिया कि यह वाक्य आपके लिए ना, हमारे लिए नहीं है। तो इस तरह से नियम जो लिखे होते हैं वो सभी के लिए एक ही समान होते हैं। चलो, अब दूसरा एक प्रसंग बताती हूँ मैं आपको, इसमें भी मजा आएगा। देखो आपको, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में ही स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर
वह सज्जन ने दुकानदार से कहा कि आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह मेरा बेटा है। अब देखा कि अपने बेटे के लिए कोई नियम नहीं। और वो सज्जन दो ही मिनट में सामान लेके चले जाने वाला था, फिर भी उसे बेचारे को अपना स्कूटर वहाँ सामने पार्किंग में पार्क करवाया। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। ये प्रसंग भी बहुत ही मज़ेदार है। देखो, एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँककर देखा कि मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर भेजा, कहा, जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, तपाक से यानी जोश के साथ और जल्दी से जवाब दे दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए, यानी बहुत ही लज्जित हो गए। अब देखा, बच्चे ने तो सही जवाब दे दिया, उसके पापा ने जो समझाया था वो भी सही से बोला, पर आगे क्या लगाया, पिताजी ने कहा है, यानी कि पिताजी घर पे ही है, तो हुआ ना कुछ मजाक जैसा। चलो आगे ही कुछ ऐसा ही है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। पोता यानी पुत्र का पुत्र। अब हुआ ऐसा कि बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पे ही भूल आए, लो इसको भी जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल और राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। पर उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। देखा, वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया कि अपने जो परिचित व्यक्ति था उसके हाथ में अपना बिल थमा दिया, और लाइन से बचने के लिए उसका काम जल्दी हो जाए इसके लिए उस परिचित को अपना बिल देकर वो खुद बाजू में खड़े रह गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हमेशा हंसी के पात्र ही बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। चलो मजा आया ना इस पाठ में। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। सवारा यानी सजाया, अंतर यानी हमारे बीच में जो भेदभाव और फर्क करते हैं ना हम, वह। पार्क यानी बाग बगीचा। कतार यानी पंक्ति, या हम इंग्लिश में लाइन जिसे कहते हैं वह। वर्जित यानी निषेध मनाई। कंडक्टर यानी परिचालक शीघ्र यानी जल्दी। तपाक से यानी जोश के साथ जल्दी से। पोता यानी पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा यानी इंतजार। राशि यानी रकम। आचरण यानी हमारा व्यवहार। सदैव यानी सदा के लिए। चलो अब मुहावरे का अर्थ देखते हैं हम। गुणों की खान यानी बहुत ही गुणी होना। पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित हो जाना। चलो समझ में आ गया ना। अब हम उसका वर्कबुक में वर्क करेंगे जो मैं आपको भेज दूंगी।